सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन गेम जिसका नाम है पाल वर्ल्ड। और भाई ये गेम भरा है पूरी तरह से मिस्ट्रीज से। तो भाई आज सुबह जब मैं उठा, मैंने अपना डे स्टार्ट किया, तो मैंने पाल्स कलेक्ट किए। पाल्स यहाँ पे पोकेमोन बॉल को बोला जाता है। और भाई उसी पोकेमोन बॉल से मुझे एक पोकेमोन दिखा जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैंने सोचा इसको पकड़ लेते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए हमें पाल ओपन करना है, इस पर थ्रो करना है। 3% चांसेस है कि हमें मिलेगा, बट ट्राई करते हैं क्या इशू है। तो भाई जैसे मैंने थ्रो किया है, बॉल ने इसको पकड़ लिया है। वाओ, लेकिन भाई ये छूट गया है, ये निकल के भाग गया। भाई बहुत गुस्से में है। ओ भाई इसने मुझे देख लिया। ओ भाई साहब ये क्या है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है महाभारत में जो पाशुपतास्त्र अस्त्र इसने छोड़ दिया था वैसा लग रहा है। बहुत ही अजीब चीज़ भाई, मेरी पावर आधी से भी कम हो गई है। और भाई वो अभी भी पूरी हुई हमला किया भाई उसने रूप से। मैंने अपना पोकेमॉन छोड़ दिया था जो कि एक शीप है, बहुत ही शांत स्वभाव की। इसको फेंक फेंक के मार रहा है वो, ये डर के मारे भाग दिए इधर से उधर। भाई इसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो इस पर अटैक कर रहा है और मैं ऐसे छुप के तो नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, इसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। बाहर निकलो यार फटाफट, उसको बचाओ। और ऐसे मौके पर एक ही चीज़ करनी चाहिए, भागो यहाँ से। कुछ फ़ायदा नहीं है इनसे लड़के, भाई यहाँ से भागना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो भाई फिलहाल मैं निकल गया हूँ अपने पोकेमॉन को बचाकर यहाँ से भागने के लिए। वो बेचारा इतना डरा हुआ है कि उसकी जो पोकेमॉन बॉल है ना, वो अभी भी वाइब्रेट कर रही है पॉकेट के अंदर। एंड बहुत ही अजीब सी फीलिंग है यार, मैं कैसे लाइक 3% चांसेस में मुझे नहीं करना चाहिए था ट्राई। यहाँ से कूद जाता हूँ, थोड़ा शायद बच जाऊँ। अरे भाई ज़्यादा लॉन्ग जंप हो गई है, पावर थी बहुत कम, तो ख़त्म ही हो गया गेम। रिस्पॉन करते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है आज तक की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सारी मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन ऐसी वीडियो बार बार आप तक पहुँचते रहे उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और भाई इस गेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, प्लीज़ मुझे बता देना। लास्ट वीडियो मैंने बताई थी, लास्ट वीडियो में भी मैंशन किया था कि इस गेम का गिव अवे मैं कर रहा हूँ। जो भी मुझे फेसबुक पर आकर मैसेज करेगा कि भाई ये गेम मुझे चाहिए, और मैंने आपकी वीडियो पूरी देखी है और वीडियो के अंदर बताया गया कोड 1506, जो कि कोड है 1506, जो मुझे ये कोड आकर मेरे फेसबुक पर बताएगा, मैं उसे ये पूरा का पूरा गेम फ्री में दे दूंगा। अगर आप स्टीम पर जाकर चेक करोगे तो स्टीम पर ये गेम 600 रुपीज़ का है, और फ्री में ये गेम डाउनलोड करने के लिए कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये स्कीम को डाउनलोड करने के लिए या फ्री में लेने के लिए आपको सिर्फ मुझे फेसबुक पर आकर मैसेज करना है और मेरा सिक्योरिटी कोड बताना है। तो भाई अब चलते हैं गेम पर वापस। तो भाई अब मेरे को ना, मैं वापस ग्राउंड में आ गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे पाल्स हैं, मतलब पोकेमॉन बॉल्स हैं। भाई पोकेमॉन की तरफ जैसे ही मैं थ्रो करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे परसेंटेज में दिखा देता है। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि भाई जब तक आपका परसेंटेज 25 से अबव नहीं है, डोंट गो फॉर इट, मत करो ट्राई। अगर ट्राई करोगे तो भाई हो सकता है कि वो पोकेमॉन नहीं पकड़ा जाए, और बिना बात में वो पोकेमॉन आपके पीछे ज़रूर पड़ जाएगा, क्योंकि भाई इन एनी केस आप उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे उसको ये पता चलता है कि आप ट्रैप करना चाहते हो और वो ट्रैप नहीं हुआ, ऑब्वियसली आपको आप पे अटैक करेगा, और वो पूरी कोशिश करेगा भाई आपको जाने ना दे। तो भाई कोशिश करना ऐसा कुछ आप ट्राई करो ही ना। एक ये पोकेमॉन यहाँ पर है, 14% चांसेस हैं, बट 14% में मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं 3% में रिस्क लेके पागल हो चुका हूँ। 25 से नीचे रिस्क नहीं देना चाहिए। तो भाई एक पोकेमॉन ये है, अल्पाका टाइप का है ये, और भाई ये है मैमथ। ये जो मैमथ है ना यार, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इस पूरे प्लैनेट पर नहीं है। भाई ये आपको दिख रहा 3% कैसे हो गया 14 से, बिकॉज उसकी एक तिरछी आँख मुझे देख सकती है। तो जब आप किसी पोकेमॉन को पीछे से अप्रोच करोगे तो आपको नहीं देख सकता, उसकी पावर कम है। यहाँ पे आपको देख रहे हो 14% दिखा रहा है मुझे, 14% है उसके चांसेस। लेकिन अगर आप इसी पोकेमॉन को अप्रोच करोगे साइड से या फिर फ्रंट से, ये चांसेस आपके हो जाएंगे ऑलमोस्ट 80% कम। इस लाइक मैमथ को मैंने आगे से अप्रोच किया तो 0% थे, पीछे से करो तो 0.01% है, मतलब चांसेस हैं ही नहीं। तो भाई यहाँ से मुझे काम करना चाहिए, यहाँ से मुझे निकल लेना चाहिए, बिकॉज ये कोई सही रास्ता है नहीं। तो भाई आज का जो हमारा मोटिव है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ दो पोकेमॉन पकड़ने का, जो कि या तो सेम होंगे या फिर एक छोटा और एक उसका हाई वेरिएंट होगा। हाई वेरिएंट का मतलब है, आपने पुराने वाला पोकेमॉन अगर आपको देखा था तो उसमें बहुत सारे पोकेमॉन है टाइम टू टाइम विकसित होते थे। विकसित का मतलब इंग्लिश में होता है अपग्रेड। अपग्रेड वो तब होते जब वो एक टाइम स्पेंड कर चुके होते थे अपनी करंट लाइफ में, तो वो अपग्रेड हो जाते थे। जैसे कि एक तितली होती है, वो पहले आपका एक क्या बोलते हैं उसको यार, आपकी जो तितली होती है सबसे पहले बनती है कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद उसका वोल्वा बनता है, और वोल्वा के बाद वो बनता है बटरफ्लाई। तो भाई बटरफ्लाई बनने से पहले जो सारे स्टेप्स होते हैं वही पोकेमॉन के साथ भी होता है, ये टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहते हैं। और भाई ये सामने जो आप पोकेमॉन देख रहे हो रेड वाला, इसकी खास बात ये है कि ये बहुत फास्ट है भाई, 26% चांसेस हैं यार। ओ शिट भाई, ये बहुत दूरी पर है इसलिए इसने कुछ किया नहीं है, इसलिए मुझे मिला नहीं है, वरना अगर ये दूरी पर नहीं होता तो भाई मुझे मिल जाता, बहुत चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे पर नहीं मिला। और जैसे मैंने आपको बताया बहुत तेज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो इस पर अगर अटैक होगा ना, तो ये अटैक करने की जगह पे लाइक री अटैक करने की जगह पे ये भाग जाएगा वहाँ से। तो भाई अब हो गया रात का टाइम, और रात का टाइम जैसे भाई लाइक पूरी रात मैंने स्पेंड कर दी है, और सुबह सुबह ना मुझे एक साउंड सुनाई दे रहा है, तो अधेरे इस
वाइब्रेशन का साउंड है भाई, ये जो स्पार्कल निकल रहा है ना इस पोकेमोन में से, और उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये पोकेमोन इस टाइम पे विकसित हो रहा है भाई। ये पोकेमोन अगर मुझे मिल गया ना तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे, बिकॉज ये पोकेमोन अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। पर भाई इनको पता चल गया कि मैं इनकी फिराक में हूँ और ये लोग भागना स्टार्ट कर चुके हैं। 18% चांसेस हैं, पर अगर भाग रहा है तो कोई चांसेस नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, इसको भागने देते हैं और हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे छुप छुपा के, क्योंकि हमें पोकेमोन चाहिए भाई। अब मैं वापस अपनी शीप के और अपने मुर्गे के, लाइक मुर्गी के साथ नहीं रह सकता भाई, मुझे एक ये कैटी आई वाला पोकेमोन चाहिए। इसका नाम अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मेरी पकड़ में आएगा मैं आपको उसका नाम भी बताता हूँ। वो देख रहा वो स्पार्कल वाला अभी भाग ही रहा है, तो भाई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये अगर मुझे मिल जाता तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो साइज़ में भी बड़ा है और पावर में भी बड़ा है। तो बस किसी भी कैसे ना कैसे करके इसको पकड़ना है। तो भाई ये आया हमारा जंप बिल्कुल फवारे में से नहाता हुआ। भाई इसमें ना ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गेम में कि आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हो एंड एक नॉर्मल क्लाइंबिंग की तरह कर सकते हो उसे। भाई 26% चांस मेरी तरफ घूम गया, 9% हो गए। देख रहे हो पीछे से चांसेस से 26%, जैसे घूम गया तो 9% हो गए, मतलब कोई खास उसकी वैल्यू है नहीं फ्रंट से। फ्रंट से वो हमें कुछ नहीं करने देगा, देखा उसको दिख गया वो भग गया फिर से। तो ये पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप के होते हैं, अब इनसे जैसे जैसे करके आप बच सकते हो बच लो बस, मतलब ये बच के भग जाते हैं, हमें नहीं बचना। आगे चलते थोड़ा सा यार, यहाँ से हो जाएगा। देखा यार मुझे डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी पोकेमोन बहुत हो जाती हैं ख़राब क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से पहुँच नहीं पाती। ये घूम गया, मेरे को यहाँ से भगना पड़ेगा। ये शीप भगती हुई आई, पर इसकी हमें कोई नीड नहीं है कि अब शीप तो नहीं लेंगे दोबारा हम। तो भाई यहाँ पर बहुत ही अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स हैं और इन पोकेमॉन्स के साथ हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं तब जब ये हमारे हाथ आएंगे तब, अभी तो फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी पोकेमॉन पर अटैक करते हो और वो हो जाता है, लाइक मान लो मर जाता है या कुआं में चला जाता है जो भी है, भाई ये कितना प्यारा पोकेमॉन है यार, ये उड़ रहा है भाई। लेकिन अगर ये उड़ रहा है तो इसको पकड़ना कैसे है? क्या नीचे से बॉल तो जाएगी नहीं ऊपर, और ऊपर क्या पहाड़ी पे चढ़ के बॉल मारूँ इसके ऊपर मैं? सिर्फ 8% चांसेस थे, 8% को बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगेगा यार। ये पेंगुइन कूदता हुआ जा रहा है यार, पेंगुइन जंगल में नहीं होते, मैं इनको कौन समझाएगा, पानी में होते हैं, पानी के पास मतलब। तो कोई नहीं, पोकेमॉन डालना डाल दिया भाई। अब आ गया हूं मैं ग्रास फील्ड पर जहां पर बहुत सारे ईवीज टाइप के हैं, लास्ट पोकेमॉन सीरीज में ये ईवी हुआ करते थे। और यहां पर भाई इनका नाम है ब्लैक, नहीं बैक बोनस है, ब्लैक बोनस नहीं है भाई। ये हैं तो स्ट्रॉन्ग, आग वाग भी जल रही है इनमें, पर भाई चांसेस बहुत कम है, तो मैं नहीं लेना चाहूँगा चांस। मैं ट्राई कर लूँ, करूँ के ना करूँ, करूँ के ना करूँ, करूँ के ना करूँ, आई थिंक छोड़ देते हैं और लेट्स डू इट। व्हाट टू डू, पीछे से ट्राई करते हैं एक बार। 18% चांसेस हैं, 25 का मैंने सोचा था, बट 18 पर ट्राई कर लेते एक बार। और भाई बाहर आ गया तो, और भाई इसको समझ में आ चुका कि मैंने अटैक किया, और भाई ये मार रहा है सीधा आग। पर भाई जो शीप है ना मेरी, वो भी बिल्कुल उछल उछल कर बिल्कुल राउंड बिल्कुल होके मार रही है। और भाई इसने पावर तो नीचे गिराई गिराई है, मेरे को बहुत दूर फेंक के मारा यार। तो भाई शीप पे बिल्कुल लगातार हमला कर रही है, भाई शीप में लग गई है आग, शीप की ऊन बिल्कुल जल गई थी, लेकिन शीप ने भाई फाइनल लास्ट अटैक करके कर दिया इसका खात्मा। बहुत सही, बच गए यार, वरना मेरी हालत भी ख़राब होती है। शीप पे, शीप के ऊपर आग लगी हुई यार, रेड हो रखी है बिल्कुल। इसको लेकर भाई और अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, भगो यहाँ से यार, भगो 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 भगो। शीप को बचाने के सबसे पहले पानी में छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसे हवा में रहेंगे तो भाई शीप पे तो आग लगी रहेगी ना। शीप को पानी में छोड़ देता हूँ, फाइनली इसकी आग बुझ चुकी है और भाई अभी भाग रही है ज़मीन की तरफ, बिकॉज पानी में भी इसको खतरा है, आग में भी खतरा है, पानी में भी खतरा है। तो भाई ये बाहर की तरफ जा रही है, इसको वापस खींच लेते हैं, आ जाओ या फिर छोड़ देते हैं, फिर उधर ही जा रही है इधर। भाई आपने ना एक चीज़, अभी अगर ये गेम काफ़ी टाइम खेला या किसी ने भी खेलना है, आपको बता दूँ इसमें जो पोकेमॉन्स हैं ना, आपको इतना अच्छा फील कराते हैं बहुत सारी चीज़ों के बाद। जैसे मान लो आपको, आपने कोई पोकेमॉन हैंडल कर लिया, आपने उसके बॉल में कैप्चर कर लिया, उसे आपको काम देते हो, भाई काम कंप्लीट करने का उसका जो रिएक्शन होता है, ये देख रहे सामने, मैंने उसको लाइक फूलों के बीच में छोड़ दिया तो उसका रिएक्शन कितना क्यूट सा है। पीछे बंदा बैठा हुआ है, तो इससे मैं पूछता हूँ भाई एक बात बताओ यार, एक पोकेमॉन मैंने पकड़ लिया है, ये दूसरा पोकेमॉन मेरे को कहाँ मिलेगा जो कि विकसित हुआ था? तो कहता भाई ये पोकेमॉन है, तेरे को देख दूसरी साइड जाना पड़ेगा, और वहाँ पर ना एक ऊपर एक खजाने की टोकरी भी रखी हुई है, वो खजाने की टोकरी भी ले लियो और वो पोकेमॉन भी तेरे को वहीं मिलेगा, और तेरे को एक अजीब सा ना साउंड भी आना स्टार्ट हो जाएगा जब तू वहाँ पहुँचेगा तब। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो उसके बाद उसके अंदर का जो लाइक जहाँ पर वो बैठा था उसके आसपास का एरिया पूरा ब्राउज करके अब हम सोच रहे हैं उसी तरफ निकलते हैं जहाँ पर वो साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक एक डिवाइस रखा हुआ है, इस डिवाइस को ले लेते हैं, क्या पता किसी काम आए हमारे। पिकअप,
वुड वगैरह, वुड और स्टोन टाइम टू टाइम इकट्ठे करते रहना, ये हमेशा काम आते रहेंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ हर चीज़ में होने वाला है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना खुद का और जितना चाहे उतना बड़ा घर बना सकते हो। सिर्फ घर नहीं, आप एक कैसल बना सकते हो पूरी, जो कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ी होने वाली है। और आप उसके साथ साथ अपने पोकेमॉन्स को अपने बेस पर कैसे छोड़ सकते हो, क्या क्या टास्क उनको लाइक असाइन कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। तो भाई ये वीडियो तो पूरा देखना ही देखना है, जैसे आपने अभी ऑलमोस्ट 50% वीडियो देख लिया है, भाई नेक्स्ट वीडियो को भी पूरा प्यार देना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। आपको नेक्स्ट थर्सडे मिल जाएगी, ये वीडियो आपको मिल रही है मंडे को और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी थर्सडे को, तो प्लीज़ सेम प्यार उसको वीडियो को भी देना। और भाई फिलहाल सामने देख रहे हो बहुत सारे पोकेमॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन भाई अभी हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें अभी चाहिए विकसित वाला पोकेमॉन। भाई जो भी क्यूट सा पोकेमॉन गया था ना, उससे आपको बहुत सारी ऊन और फर मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर आई थिंक एक उसने बताया था कि इसी पहाड़ी के आसपास है ना, मुझे बस पहाड़ चढ़ते जाना और वो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो भाई साउंड के पीछे पीछे जाना है, जिस तरफ आपको साउंड ज़्यादा आ रहा है उस तरफ आप जाते जाओ, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। सामने की तरफ एक नीला पत्थर चमक रहा है, इसी की तरफ चलते रहते हैं, क्योंकि चमकदार चीज़ें ना यहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप जितनी ज़्यादा चमकदार चीज़ें इकट्ठा करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और भाई पानी यहाँ का इतना क्रिस्टल क्लियर है ना, बिल्कुल ऋषिकेश बना रखा है इन्होंने। रिवर राफ्टिंग से पहले जो गंगा क्लियर आती है ना, बिल्कुल भाई एक नंबर। तो बिल्कुल ऋषिकेश वाला साउंड लेक एरिया इन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। अब भाई उसी के हिसाब से हम लोग अपना चलते जा रहे हैं। साउंड के ऊपर पूरी नज़र है हमारी। और भाई ये जो कैटी वाले हमारे पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेचिंग हमें देखनी नहीं, क्योंकि एक पोकेमॉन हमें मिल चुका है और भाई और किसी पोकेमॉन की नीड है नहीं। भाई एक भी नहीं मिला यार अभी, अभी एक कैट पकड़नी है ना। हमने ट्राई किया था, वो दूर रह गई थी, बट चांसेस 33% थे उस टाइम पर, पट रह गया था वो, कोई बात नहीं। यहाँ पर है क्या कुछ आवाज़ सी तो सुनाई दी मुझे। भाई ये है हमारा बेस, वापस हम बेस पर आ गए। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हमारे बेस की आवाज़ है वो। बेबी को बेस पसंद है तो भाई बेस, अगर बेबी को पसंद है तो भाई इस बेस पर वो आ सकती है। पूरा ओपन चैलेंज है, क्योंकि भाई पूरा ओपन एरिया है, मैं किसी को मना करता नहीं हूँ मेरे बेस पर आने के लिए। तो बेबी को अगर बेस पसंद है तो आ सकती है। तो मैं बहुत सारे पर्ल्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ, ताकि जब मैं नए शिकार पर जाऊँ तो मेरे पास पर्ल्स होने चाहिए, ताकि मैं बहुत सारे अटेम्प्ट कर पाऊँ, राइट। तो इनको बनवाने के लिए आपको वुड चाहिए, स्टोन चाहिए और पर्ल सफायर चाहिए। नहीं, पर्ल सफायर तो पूरा ही होता है। पर्ल सफायर को बनाने के लिए एक नीला स्टोन चाहिए होता है, जो कि आपको मिलता है नीले चमकदार पत्थर से। तो अभी मैंने मुक्के मार मार के बहुत सारा स्टोन तो इकट्ठा कर लिया है यहाँ से। वुड भी चाहिए होगी, वही मेरी पावर हो गई बिल्कुल रेड। फाइनली दो पाल सफायर मैंने लगा दिए हैं बनाने के लिए। और भाई इसको मैं लगा देता हूँ शीप को यहाँ पे काम करने के लिए। इस शीप का नाम है लैम्बल, तो लैम्बल को मैंने लगा दिया काम पे। और भाई पाल सफायर मैंने खुद ले लिया है, शीप शायद गलत बॉक्स पे काम कर रही है, इस पे लगा देते हैं। ऐसे शीप बहुत फास्ट है, पता है, लैम्बल बहुत फास्ट है काम करने में। और भाई इतना क्यूट रिएक्शन काम करने के बाद के पास मज़ा ही आ जाए। तो भाई खाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरी हेल्थ जो थोड़ी सी कम हो गई थी, तो मैं फटाफट बेरीज खा लेता हूँ ताकि हेल्थ हो जाए पूरी फुल। और भाई लैम्बल को भी थोड़ा बहुत खाना खिलाना ज़रूरी है, इसका पेट भी भराना चाहिए, बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। तो भाई लैम्बल अभी भी वो लाइक अपने बॉक्स पर लगी हुई है काम करने के लिए, बट आई थिंक अब रोक देना चाहिए, बहुत हो गया। चलो भाई आराम करो। और भाई अब हमें चलना चाहिए पोकेमॉन की तलाश में फिर से। भाई पूरा का पूरा दिन निकल गया, दो दिन निकल गए, हमें एक बार भी एक भी अच्छा पोकेमॉन नहीं मिला। हमें बेसिकली तलाश है उस कैटी आई वाले की, जिसके 33% चांसेस थे, बट भाई नहीं कर पाए हम कैप्चर। मैं बहुत बड़ी लानत है कि हम नहीं कर पाए यार इतने टाइम में भी। भाई अब आई थिंक है ना, यहाँ पर इस लोकेशन पे शायद मुझे एक आधा पोकेमॉन मिल जाए, मुझे जो मिल जाएगा मैं उसी को कैप्चर कर लूँगा यार। अब थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेशन की साइड जा चुका हूँ। ऊपर की तरफ आई थिंक एक मुर्गी है यार, मुर्गी ये मुगरी नहीं है, ये मुगरी है। हाँ ये मुगरी है, मुगरी और मुगरी नहीं है, मुगरी इज द स्लोएस्ट, मुगरी से कोई काम नहीं करा सकते हम। 13% चांसेस है फ्रंट से, देख रहे हो वो मेरे को तरफ मेरी तरफ देख रही, फिर भी 13% चांसेस है। तो नहीं, इसको तो लेंगे नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लो है ये। ऊपर की तरफ तो कोई पोकेमॉन नहीं दिख रहा उस मुगरी के अलावा, पर नीचे की तरफ भाई मेरे को वो कैटी आई वाला पोकेमॉन दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोने में है नीचे। और भाई मुझे पता क्या करना चाहिए, मुझे बहुत स्लोली पीछे आगे बढ़ना चाहिए, बस वो मुझे किसी भी तरीके से देखे ना, और भाई देख भी जाए तो एक डर के भागे नहीं, कि मुझे बस एक अटेम्प्ट चाहिए बिल्कुल पास जाके पीछे से बॉल फेंकनी है, और भाई इतने में वो कैप्चर हो जाएगा। उसने अभी तक मुझे देखा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उसके पीछे जो पत्थर है, पत्थर के पीछे से जाता हूँ और भाई बहुत आराम से कैप्चर हो जाएगा ये।
अभी तक इन्होंने बहुत सारी जल्दबाजी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की हैं जिसकी वजह से वो भग जाते हैं, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम जाएंगे पास और पास और पास, उसको आवाज़ नहीं आनी चाहिए वरना भग जाएगा। 33% चांसेस हैं और भाई फेंक देते, बहुत सही भाई। 25% चांसेस से अगर ऊपर हुआ ना तो वो कैप्चर कर लेता है भाई। 33% चांसेस से हमें मिल गया है हमारा नया पोकेमॉन जिसका नाम है कैटिवा। तो भाई कैटीआई वाला जो पोकेमॉन है इसका नाम है कैटिवा, लेवल 1 का पोकेमॉन हमें मिला। भाई इसकी खास बात पता क्या है, इसे बस आप अपने बेस पर छोड़ दो, ये वहाँ भागेगा जहाँ नियरेस्ट स्टोन पड़े होंगे। स्टोन इन द सेंस बहुत बड़ी चट्टान पड़ी होगी पत्थर की, और ये जाकर सीधा उसमें पत्थर मारना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है पत्थर इकट्ठा करना। देखा मैंने इसको छोड़ दिया, ये मेरे को पहले टेढ़ा मेढ़ा लुक देता है। अब भाई उसके बाद मैं इसको लेके चलता हूँ बेस पे, अपने बेस पर जाकर थोड़ा सा इसका इसके साथ मुआयना करते हैं कि भाई चल क्या रहा है, क्या क्या कर सकता है ये पोकेमॉन। और भाई जैसा कि मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, लेट्स सी ये वैसे काम करता है या नहीं। बेस पर हम आ गए हैं, यहाँ पर दो टाइप की चट्टानें, एक तो नीला सफायर पत्थर है, भाई नीले सफायर के साथ साथ नॉर्मल पत्थर भी हमारा पड़ा हुआ है। भाई फिलहाल मैं इस पोकेमॉन को छोड़ दिया, और भाई इसके ऊपर ना सीधा बल्ब जला है, और भाई ये गया सीधा चट्टान के पास, और भाई इसने मारनी स्टार्ट कर दिया टक्कर। भाई एक एक टक्कर पर ये स्टोन जनरेट कर रहा है, बहुत सही भाई। एक एक टक्कर पर अगर ऐसे स्टोन जनरेट कर सकता ना तो ये बहुत ही तगड़े स्टोन जनरेटर बन सकता है। भाई इससे पलेडियम फ्रेगमेंट भी जनरेट हो रहा है जिससे कि हम पाल सफायर बनाते हैं, वेरी नाइस। तो मतलब ये बंदा बहुत काम की चीज़ है, अगर इसको हम सिर्फ छोड़ भी देना तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। सेम गोज़ टू लैम्बा लैम्बल, उसको अगर आप छोड़ दोगे ना अपने बेस पर तो नियर बाय जहाँ भी होगा वो वहाँ तक जाएगा, और वहाँ से आपके लिए इकट्ठा करके लाएगा स्टोन और लाइक वुड, ये सारी चीज़ें जहाँ भी पड़ी होंगी ना वो उठा के लाता है। तो ये बहुत सारे हेल्पफुल पोकेमॉन्स हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो। तो भाई अभी हमारा जो मोटिव था सेकेंड पोकेमॉन पकड़ने का, वो है हमारा एक विकसित होने वाला पोकेमॉन जो कि अपग्रेड हो रहा है, और भाई उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होगी इन सभी से। तो ये फिलहाल कैटीआई वाले जो कैटीवा हैं वो तो भागते हुए नज़र आ रहे हैं, शीप भाग नहीं रही है कि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई बॉल फेंकेगा तो वैसे भी नहीं बच सकती हैं वो, किंदर पावर है नहीं ज़्यादा, हेल्पफुल बने बट बच नहीं सकती हैं वो। तो भाई वहाँ सामने की तरफ है ना मेरे को एक पोकेमॉन दिख रहा है जो कि थोड़ा सा एक्टिवेशन के मूड में है, आई थिंक सो भी रहा है और एक्टिवेट भी हो रहा है, उसके चारों तरफ भाई रोशनी ही रोशनी है। तो भाई मेरे को किसी ने बताया था कि उसके आसपास है ना आपको एक लाइक गोल्ड से भरी हुई खजाने की पेटी भी मिलेगी, इसके अंदर आपको गोल्ड भी मिल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, तो पहले उसको ले लेना। तो भाई आई थिंक यहीं आसपास है, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे को आ रही है विकसित होने की। भाई यहीं आसपास मेरे को पेटी भी ये रही यार, ये रही। तो भाई मुझे पेटी भी मिल गई और मुझे पोकेमॉन भी मिल गया, अब मुझे बस वो पोकेमॉन कैप्चर करना है कैसे भी करके। भाई जैसे आप ऐसा कोई विकसित होने वाला पोकेमॉन कैप्चर करते हो ना, आपको दो बेनिफिट होते हैं, एक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल जाता है, दूसरा आपको एक सुपर पाल सफायर मिलता है। जैसे आपका जो पाल सफायर है नीले कलर का है, एक डार्क ग्रीन कलर का पाल सफायर आपको मिलता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और भाई इसको थोड़ा आगे जाके लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते। और भाई ये भी पकड़ लिया है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, हो गया हो गया, ओए भाई हो गया ये, अमेजिंग यार। मेरा जो पावर है मेरी खुद की एक्सपी भी बढ़ी है, भाई मेरे को एक अपग्रेडेड कैटीवा मिल गया है जिसकी वैल्यू और जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको एक ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर का सुपर पाल सफायर मिलता है, जिसको अगर आप किसी भी पोकेमॉन पर फेंकोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे उसको कैप्चर करने के। और अभी फिलहाल ये है ब्लू और मेरे पास है डार्क ग्रीन ऑल्सो। तो भाई दो पाल सफायर जब आप यूज़ करते हो ना अलग अलग, तो बहुत ही अलग अलग पावर रहेगी उसकी। भाई फिलहाल हमारा जो आज का मोटिव था दो पोकेमॉन पकड़ने का, वो हमारा हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने दोनों सेम ही पोकेमॉन कैप्चर किए हैं। एक है हमारा कैटीवा और एक है हमारा सुपर कैटीवा जो कि अपग्रेडिंग के मूड में था, अपग्रेडिंग मूड में नहीं मोड में था, मूड में तो हम होते हैं कभी कभी। तो फिलहाल ये है हमारा बेस। भाई हमने बेस स्टार्टिंग पे ही इतना सुंदर बनाया था, जहाँ पे झरना भी है, पानी भी है, तालाब भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर हमारा पोकेमॉन जब गर्म हो रहा होता ना तो वो यहाँ पे कूद के ठंडा हो जाता, तो बहुत सही लोकेशन ने पहले से चूज़ की थी। तीन है हमारे पास वर्क डेक और एक है हमारे पास पाल सफायर का मेन बॉक्स डेक, जो कि पूरा का पूरा बेस हमारा कैप्चर करता है, पूरे के पूरे बेस पे क्या होने वाला है क्या नहीं, वो हमारा टेक वाला जो बेस है, टेक वाला जो हमारा बेंच है उससे डिसाइड होता है। भाई ये बहुत ही सही है यार, एक एक पंच पे पूरा पूरा निटाल देता है। अब मैं देख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, बड़ा वाला। भाई इसका साइज़ काफ़ी बड़ा यार, और ये उछलते भाई देख रहे हो, ये एक बार उछलता है ये 4-5 अटैक करके नीचे आता है, अमेजिंग भाई। इसने तो मज़ा ही बांध दिया यार, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। भाई इस पोकेमॉन के साथ मैं तो बहुत खुश हूँ, आप लोगों को देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप इस गेम को खेल रहे हो तो आप किस लेवल पर खेल रहे हो और मेरे लिए क्या टिप्स है वो भी ज़रूर बताना। तो भाई फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, और भाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आ जाना। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, अपने घर वालों को रखो ध्यान और आप सबको राम राम, बाय बाय।